कन्नौज खातेगांव विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई, जिसका मेलपिलिया से लौरास, मिर्जापुर, कंजीपुर, उमरिया होते हुए माल सगोदा में समापन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के डॉक्टर ओम पटेल, बंटू गुर्जर, जनपद उपाध्यक्ष खातेगांव मनीष यादव सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण जनों से चौपाल लगाकर यात्रा के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की और किसानों, मजदूरों और आम जन की ज्वलंत समस्याओं को उठाकर जागरूक कर यात्रा में सहयोग के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर ग्रामीण और कांग्रेसी उपस्थित थे। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा में ग्राम उमरिया में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण हमारे ग्राम उमरिया के और आसपास के हमारे सभी युवा साथी साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें तार से बताई। मैं हमारे बहुत से युवा साथियां खड़ा है, उनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, निर्भीक होकर उत्तर देना। क्या आवश्यकता पड़ी कि राहुल गांधी जी जैसे शख्स को भारत जोड़ो यात्रा करना पड़ा? कोई दे सकता है क्या जवाब देना? कोई बता सकता है? बताइए। साथियों, राहुल गांधी जी को इस देश को ये बताना पड़ा कि जिस प्रकार हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई इन बीजेपी वालों ने शुरू की है, वो तोड़ रहे हैं और हम जोड़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं पूर्व वक्ताओं ने बताई, अगर मैं भी बताना चालू करूं तो रात के 8 बज जाएंगे, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम सब किसान हैं, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करूंगा। 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी, उस वक्त बीजेपी का रेट 1400 रुपये था। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो एक महीने के अंदर 1200 रुपये का दिया, और एमपी जो 1200 में मिलता था उसको 1100 में किया। अभी आपने सोसाइटी से जो खाद दिया, उस खाद एमपी की कीमत है 1470 और डीएपी की कीमत है 1400 रुपए। हमारे जो कृषि बिल 2017-18 में जो आते थे 10 HP और 5 HP के 7000 रुपए आता था, कमलनाथ जी की सरकार बनी तो कमलनाथ जी ने उसको 3100 रुपए किए। 20 साल से शिवराज सिंह की सरकार है, यहाँ एक किसान के खेत में अगर एक पंप भी है 3300 रुपए अगर हर साल ज्यादा देता 6 महीने में तो एक साल में 7000 रुपए। अंदाजे लगाइए आप कि 20 साल में एक खेत से एक पंप से कितने हजार रुपए इन लोगों ने लुटाए हमसे। इसका जवाब 2023 में हमको देना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत से बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, चल रही है वह यात्रा 3570 किलोमीटर की यात्रा है जो भारत के 12 राज्यों से होते हुए कश्मीर तक पहुंचेगी। अब लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि क्या आवश्यकता पड़े, भारत तो जुड़ा हुआ ही है, देखने में भारत जरूर जुड़ा हुआ लगता है, किंतु वर्तमान में भारत का जो खाका है उसको खंड खंड और विघटित करने की पूरी योजनाएं बन गई। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जाता है, भाईचारे को आपस में बैर कराकर अपना उल्लू सीधा कर केवल सत्ता हथिया लेना और उसके बाद अपने मनमर्जी के काम करते हुए भारत देश को गर्त में धकेलने का काम किया जा रहा है। आप और हमने देखा कि 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय वो मंच से बड़े बड़े भाषण देते थे, कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए UPA सरकार। उस समय पे डीजल और पेट्रोल के भाव 60 रुपये 65 रुपये लीटर हुआ करते थे, गैस की टंकी 400 रुपए के आसपास आती थी, खाने का तेल 50 से 60 रुपए लीटर के आसपास आता था, किंतु अब वर्तमान में खाने का तेल 150 रुपए से ऊपर का भाव हो गया, डीजल पेट्रोल का भाव 100 और 110 रुपए में पहुंच गया, गैस की टंकी जो उस समय उनको 400 रुपए में महंगी लगती थी आज वह 1100 के आसपास हो गई। उसके बाद भी
वो कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने लोगों को सब्ज बाग दिखाए कि 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, किंतु आज जब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा काम उसके विपरीत स्थिति में चल रहा है। एक तरफ वो कहते थे मन से कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, जिस देश की करेंसी गिरती है उस देश का प्रधानमंत्री की हालत खराब हो जाती है, किंतु आज जब हम देखते हैं कि कल ही हमारे देश की करेंसी एशिया के जो 10 देश है उससे भी बाहर हो गई, और आज हमारी करेंसी की स्थिति भूटान के बराबर हो गई है, और जहाँ बात आती थी देश नहीं बिकने दूंगा, आज देख रहे हैं हम रेलवे भेज दिया, बेल भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया। पहले जब हम जाते थे रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए रहते थे तो लिखा रहता था भारतीय रेल, उसके जगह आज अडानी रेल लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। कल यही स्थिति चलती रही तो धीरे धीरे भारतवर्ष गुलामी की ओर बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर भारत में पहले व्यापार हत्या और उसके बाद लोगों को गुलाम बनाकर 150 वर्षों से अधिक समय तक इस देश पर राज किया, जिसको आज़ाद कराने के लिए हमारे पुरखों ने अपने बलिदान दिए, तब कहीं जाके देश आज़ाद हुआ, किंतु ये दो लोग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।